अमिता क्लोथ आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये जंपसूट बनाने वाले हैं। ये देखो, मैंने अपने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया। ये इसकी बैक साइड हो गई, ये मैंने दोनों साइड से बंद किया हुआ है। जो हमारे पैरों की साइड है यहाँ पे भी मैंने बंद किया, कैप बनाई है। अब इसे हमें बना के देखते हैं, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैं इस कलर की ऊन से बनाने वाली हूँ। ये हमारी बेबी क्वीन के नाम से ऊन है जो बहुत सॉफ्ट होती है। ये देखो काफी सॉफ्ट है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ब्लू कलर की ऊन ली है। इसके बाद अब मुझे इसमें अपना ऐसे करते हुए हमारा एक फंदा हो गया। ये 7 फंदों की चैन बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 फंदों के ऊपर हमें हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 7 फंदों के बाद 3 फंदों की चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, जहाँ पर मैंने अंगूठा रखा हुआ है यहाँ से हम अपना दूसरा फंदा हो जाएगा। एक चैन है, एक फंदा ये हो जाएगा, ये दूसरा फंदा हमारा ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये मैंने जो 7 फंदों की चैन बनाई थी उसके ऊपर 7 ही डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसके बाद हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। उसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने होंगे। ये एक हो गया, इसी के अंदर हमें 3 बनानी है। 2 और ये हमारा 3, ये हमारे 3 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में हम इन 3 से अलग जो हमारा ये वाला है इसी के पास बिल्कुल यहाँ पर ऐसे करते ही एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरे वाला है एक यहाँ पे बनाएंगे। जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर हमें ऐसे ही एक एक करके अपने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये हमारा इस तरह राउंड घूम जाएगा। ये हमारे 7 क्रोशिया हो गए, एक यहाँ पे होगा। अब हमें इसको अपने क्रोशिया को ऐसा करते हुए अब हर फंदे के ऊपर हमें ऐसे घूमते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब किसी के ऊपर कोई 2 नहीं बनानी है, हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चल जाएंगे। तो हमारे पहले में ये 3 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर इसके एक फंदे के ऊपर तो हमारी चैन हो गई, इसे नेक्स्ट वाले में हमें ये बनाना है। फिर इससे नेक्स्ट वाले में ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब देखो ये मेरी हेड जैसी हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ये दोनों जो हमने यहाँ पर ऐसे घुमाते हैं हमारे एक साथ जुटने के बाद इस तरह हेड बनने के बाद अब हमें क्या करना है, 3 फंदों की चैन बनाएंगे। अब अपने इस जो हमारा फंदा है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3। इसके बाद एक जहाँ पर हमारा ये है एक यहाँ पे बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह हम 3 फंदे अब इसमें बनाने हैं। हमें 17 फंदे बनाने हैं, 17 डबल क्रोशिया। देखती हूँ कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3 फंदे में 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। एक हम यहाँ पर ले लेंगे, 2 इस चैन के अंदर ले लेंगे। 1, 2, ये हमारे 17 फंदे पूरे हो गए हैं। अब हमें इसके बाद हर फंदे के ऊपर एक फंदे के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो चैन हमारी इसी के पास हम एक और ले लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इससे नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया लेंगे।
एक डबल क्रोशिया, अगले फंदे में दो डबल क्रोशिए, ऐसे करते हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर अब तीसरे राउंड में हम तीन फंदों की चैन बनाएंगे। यहाँ पर बना लेंगे, दो हो गए, तीन, चार, पांच। ये हमें पांच डबल क्रोशिए बनाने हैं। उसके बाद हमें एक दो तीन फंदे छोड़ने के बाद चौथे फंदे में एक फिर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में अब हमें अपने 10 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। ये डबल 10 डबल क्रोशिए बना लिए मैंने। अब उसके बाद फिर मुझे तीन फंदे छोड़ने हैं, एक दो तीन। चौथे फंदे में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में हमें अपने पांच डबल क्रोशिए बना लेने हैं, तीन, चार, पांच। ये हमारे पांच हो गए। अब हमें हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया वापिस घूम के ऐसे एक तीन फंदों की चैन बनाएंगे। हर फंदे के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अभी राउंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाजू के नीचे वाला। इसके बाद वो हमें इन दोनों पार्टों को यहाँ पर बंद कर देना है। उसके बाद हमें तीन फंदों की चैन बनाएंगे। इसे नेक्स्ट वाले में लेंगे, यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिए बनाएंगे। ये हमारा सिंगल हो गया। इसके बाद हम दो डबल क्रोशिए बनाएंगे। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, फिर दो डबल क्रोशिए। अगर हमें इसी ब्लाउज में अपने ड्रेस बनानी है घेरे वाली, बहुत से को कैप ऐसे लगानी पसंद हो, तो आप यहाँ पर हर फंदे के ऊपर दो दो डबल क्रोशिए बना लेंगे। मैं अब एक फंदे के ऊपर दो डबल क्रोशिए बना रही हूँ, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिए बना रही हूँ, क्योंकि हमें जंपसूट बनाना है। उसका घेरा हमें सही रखना होगा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। दो डबल क्रोशिए ऐसे हमें पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद से यहाँ पर बंद कर देंगे, इस पर कोई धागा नहीं लेंगे। ऐसे ही इसको सिंपल क्रोशिए से हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हम तीन फंदों की चैन बनाएंगे। अब हमें हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे ये राउंड भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने ये चार नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, तो मैंने इसमें 17 फंदे डाले हैं। जैसे हम अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं, उसके ब्लाउज में बनाते हैं 17 फंदों वाली, पर इसमें आपको दो फंदे ज़्यादा बनाने होंगे। ये मैंने 17 फंदे इसलिए बनाए क्योंकि मेरी ये ऊन थोड़ी मोटी है। अगर आपको बारीक ऊन से बनाना है, अगर आप इस तरह की ऊन से बनाओगे तीन पलाई वाली से, तो आपको 17 फंदों की जगह 19 फंदे डालने होंगे। ये आपको हमेशा ऊन के हिसाब से देखना है, क्योंकि कितनी बार ऊन किसी के पास मोटी होती है, किसी के पास बारीक होती है, तो आप अपने इस हिसाब से बना के देख लेना। अब इसके बाद हमें बस ये राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें फिर यहाँ पर पहले की तरह ही इसको ज्वाइंट कर देना है। फिर तीन फंदों की चैन बनानी है। अब की बार थोड़ा चेंज होना करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, अब मैंने जितने इसमें फंदे डाले हुए हैं, हमें अपने ये वाला यहाँ तक का हमने बना दिया है। अब हमें अपना ये वाला हिस्सा बनाने हैं। अब ये हमें कैसे बनानी है, अब हमें अपने पूरे फंदों को काउंट करना होगा। एक बार हम ऐसे शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस।
ये हमारे 28 फंदे हैं, तो हमें 28 फंदे हो गए। उसके बाद आप क्या करना है, 14 फंदे हमारे यहाँ तक बैठेंगे, वे हमें 14 फंदे बना लेने हैं। 14 फंदों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। चौदह फंदे बुन लिए हैं मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने इसको ऐसे बंद कर देना है। ऐसे बंद करते हुए अब मुझे फिर 3 फंदों की चैन बनानी है। फिर हर फंदे के ऊपर फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें यहाँ पे बंद करना है। तो हर बार हम इस चैन वाले फंदे में बंद करते हैं, आपकी बार हमें एक फंदा कम करना है। तो हमें इसमें ना बंद करते हुए इससे अगले वाले फंदे में इसको बंद करना है। ये हमारा एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे बिना बुने ही इसको ऐसे बंद करेंगे, फिर 3 फंदों की चैन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाले में अब ये राउंड भी हमें हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा करना है। ये हमें ढीले हाथ से बनानी है पूरी ड्रेस को, जिसे हमें लड्डू गोपाल जी को पहनाए उसे आसानी से पहना सके। अब ये भी हो गया। अब ये दूसरे वाला भी हमें बिल्कुल पहले की तरह ही इस फंदे में लेके इससे अगले वाले फंदे में इसको बंद करना है। एक फंदा हमारा यहाँ कम हो जाएगा। फिर अपनी ऐसे ही 3 फंदों की चैन बनाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमें इससे नेक्स्ट वाले में भी एक फंदे को कम करते इस तरह ही बना लेना है। वो मैंने आपको दोनों राउंड आपको करके दिखाती हूँ अभी। इसके बाद फिर हमें ऐसे करना है, एक फंदा में आपकी बार यहाँ पे भी कम करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे में ना लेके इस वाले फंदे में लेके इसमें ले लेंगे इसको हम। ये हमारा एक फंदा यहाँ पर कम हो गया। ऐसे ही घुमाते हुए इसको एक एक फंदे से हम घटाते हुए इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। इसे बनाते चले जाएंगे। एक यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। अब देखो हमें जो हमने ये बनाया हुआ है, देखो यहाँ तक का हमने बना दिया है। अब इसके बाद हमें एक राउंड और करना है। अब आपको यहाँ पर अगर बंद करना है तो हमें बिल्कुल बंद कर देना है। लास्ट में हमारे 3 फंदों को हम एक साथ मिलाते बंद कर देंगे। अगर आपको नीचे से बाजू पैरों का लिए खुला रखना है तो आप इसको यहाँ तक ही रखेंगे। ये मैं इसको अपना आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। वो आपकी इच्छा है, अगर आप नीचे से खुला रखना चाहते हो तो खुला भी रख सकते हो। इसको हम ऐसे करते हुए एक साइड से यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ये पार्ट हमारा बंद हो गया है। इसको ऐसे करते हुए इसमें धागे को हम कट कर देंगे। इसके बाद फिर हमें दूसरा धागा यहाँ पर जॉइंट करते हुए सेम ऐसे ही दूसरे वाले हिस्से को करना है। वो भी करके दिखाती हूँ। अब इसके बाद हमें
दूसरे पैर के लिए जो करना है, जो हमने इस वाले का फंदा लिया है, हमें उसी में धागे को अपने ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर हम क्रोशे डालते हुए इसको बंद कर देंगे, इससे जो हमारे बीच का गैप है वो नज़र नहीं आएगा, वो हमारा बंद हो जाएगा। अगर हम इससे नेक्स्ट वाले में धागा बंद करेंगे तो वो हमारा बीच में जो गैप होता है वो नज़र आएगा, पर हम इसे पूरा बंद करना है। ऐसे करते हुए अब हमें यहाँ पर ही यहाँ से लेते हुए तीन फंदों की चैन बनाएंगे, एक दो तीन। इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट वाले फंदे में बनाना है, हर फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखो ये राउंड पूरा हो गया। अब इसके बाद हम उसके बीच में यहाँ पे हिस्से पे आ गए। अब हमें एकदम यहाँ पर जॉइंट ना करते हुए यहाँ पर एक बिना डबल क्रोशिया किए ही ऐसे ही एक फंदा लेना है, इसको ऐसे निकालते जाएंगे। इसे नेक्स्ट वाले में फिर ऐसे लेंगे, इसको भी निकाल देंगे, ये हमारा यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर अपना इस तरह का जॉइंट लगा देना है। फिर अपना सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर किया है, हमारा फर्स्ट राउंड में हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। अब इसके बाद अब तीन हाथ में हमें ऐसे ही एक एक फंदा कम करेंगे। लास्ट के दो हाथ जो बचेंगे ये वाले, एक साइड इधर से एक साइड इधर से, लास्ट में तीन फंदे बनाते हुए हमें बंद कर देना है। ये सेम हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको इसमें बताया, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसका दूसरा पार्ट भी पूरा तैयार कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। धागा कट हो गया। इसके बाद अब हमें ये धागा अपने यहाँ पर आस्तीन में इसको जॉइंट करना है। ये आस्तीन में मैंने धागा जॉइंट कर दिया है। उसके बाद हमें ऐसे अपने खींचते हुए तीन फंदों की चैन बनाएंगे। जब हमें तीन फंदों की चैन बनाते हैं, जब सूट में ध्यान रखना है कि ये धागा हमें ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा टाइट करते हुए इसको बनाएंगे। अब उसके बाद मुझे इसमें आठ फंदे डालने हैं, तो ये हमारे दो हो गए, नेक्स्ट तीन। ऐसे घुमाते हुए मुझे अपने पूरे आठ फंदे करने हैं। आठ से अगर नौ हो जाते हैं तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हमारे आठ फंदे हो गए। अब इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। जो हमने फर्स्ट राउंड जो फर्स्ट में चैन बनाई थी, उसी चैन में हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसे बंद करने के बाद अब हर एक फंदे के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखो ये हमने चार राउंड कंप्लीट कर लिए है, एक दो तीन चार। इसके बाद हमें जो आठ आठ फंदे हैं हमारे, अब हमें एकदम ही घटाना है, एक फंदा छोड़ेंगे, इसके बाद दूसरे फंदे में लेंगे, आठ से चार बना लेंगे इनको। फिर नेक्स्ट वाला छोड़ के इस वाले में दो, फिर इसमें तीन चार, चार फंदे बन गए हमारे एक साथ ही घट गए। हम इसे यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। फिर इसके लास्ट वाले फंदे में हम इसको भी पांच एक बना लेंगे। ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, ये पूरी आस्तीन बन के तैयार हो गई है। ये धागे को यहाँ पर कट कर देंगे।
अब दूसरी तरफ की आस्तीन भी हमें सेम ऐसे ही बनानी है। आठ फंदे का घेरा बनाएंगे, उसके ऊपर हमें आठ फंदे बनाते बनाते अपने चार राउंड कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमें आठ से चार फंदे बना लेने हैं, फिर लास्ट में हमें एक फंदे में को इस तरह निकाल के इसको बंद कर देना है। ये आस्तीन में आपको बना के दिखाती हूँ। इसकी दूसरी आस्तीन भी बना के तैयार कर लिए दोनों। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला जिसे मैंने ब्लैक कलर से किया है, ये अपनी ऊन के अकॉर्डिंग जो आपकी ऊन पे कलर अच्छा लगे उसी कलर को ज्वाइंट करो। मैं इसमें वाइट धागा लगाने वाली हूँ, उसके बाद फिर पूरी बाउंड्री में वाइट धागे से कर दूंगी, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने वाइट धागा घुमाते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से धागा कट कर दिया और इस धागे को अंदर की साइड खींचते हुए बंद कर देंगे। जो हमारी धागे एक्स्ट्रा हैं इन्हें भी हम अंदर की साइड ही क्रोशे से ऐसे क्रोशे डालते हुए अंदर की साइड को कर लेंगे। इस साइड से भी हम ऐसे ही इसको भी अंदर ही कर लेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो हमें सबसे पहले इनके दोनों पैरों को डालना होगा ऐसे करके। दोनों पैरों के बाद फिर हमें अपना ये वाला हाथ पहनाना है, क्योंकि कान्हा लड्डू गोपाल जी का ये हाथ थोड़ा ऐसे होता है। तो इसको पहनाने के बाद फिर हम इसको आसानी से पहनाएंगे, फिर उसके बाद हम कैप उड़ा देनी है। ये ड्रेस देखो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। एक डोरा बना लेंगे, जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर का डाला हुआ है तो हमें इसमें व्हाइट कलर का डालना होगा। इसको जितना आपको करना है इससे दुगना लेने के बाद उसको हमें ऐसे गोल करते हुए इसका डोरा बना लेना है। ये हमारे कान्हा जी को मैंने पहना दिया है। आज जो हमने डोरा डाला है इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे ऐसे। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक पैर हमारा इसके अंदर है, एक इस साइड ये रहा। पीछे से भी देखना, कान्हा जी का जंपसूट तैयार है, लड्डू गोपाल जी का जंपसूट। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।